आदरणीय कुलपति महोदय शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर महाराष्ट्र भारत, डॉक्टर पद्मा पाटिल अध्यक्ष हिंदी विभाग शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर महाराष्ट्र भारत तथा हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों और शोधार्थियों, मुझे आपसे वार्तालाप करते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है क्योंकि आप लोग हिंदी के अच्छे और योग्य छात्र हैं, हिंदी प्रेमी हैं, हिंदी अध्येता हैं, अध्ययन करता है और हिंदी के सेवक हैं। हमारा हिंदी साहित्य एक विशाल साहित्य है जो जीवन के हर अंग, जीवन के हर विभाग को किसी न किसी रूप में व्यक्त किया गया है। आज मैं केवल एक बात पे आपसे बात करूंगा, वह है भक्ति काल के साहित्य में भक्ति की मूल धारा, मूल तत्व। भक्ति काल की जब हम बात करते हैं तो उसमें चार नाम हमारे सामने तुरंत उछल कर सामने आते हैं। अविराम है महात्मा सूरदास, संत कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी और गोस्वामी तुलसीदास, ये चार लोगों के नाम हमारे समक्ष आते हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे हिंदी के भक्ति साहित्य को। तो भक्ति दर्शन से संबंधित होती है। वैसे तो भक्ति अपने भाव से संबंधित होती है, भावना से संबंधित होती है, किंतु भावना किसी न किसी मूल भाव से प्रभावित होती है। हम प्रेम भक्ति करते हैं किसकी? भगवान की, गुरु की। तो गुरु तो होना ही चाहिए, भगवान भी होना चाहिए। किस प्रकार से भक्ति करते हैं उसके कई प्रकार हैं। नमदा भक्ति बहुत प्रसिद्ध है। तो भक्ति का साधन, भक्ति का, लेकिन भक्ति का मूल तत्व क्या है? मूल तत्व तो हर प्रकार से ईश्वर में रहता है, भी हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, हर प्रकार से। तो वही साहित्य में आती बात, तुलसीदास जी राम को मानते हैं, सुदास जी श्याम को मानते हैं, कबीरदास जी ज्ञान को मानते हैं और जायसी प्रेम को मानते हैं। तो हम देखते हैं कि भक्ति काल में जैसे कि हमारे दर्शन में, भारतीय दर्शन में जब हम बात करते हैं ईश्वर की, तो दो रूप सामने आते हैं, एक है निराकार, दूसरा साकार।
इसको ही भक्ति काल में दुरूप में सामने आया, निर्गुण और सगुण, इसलिए वो निर्गुणिया साधु हुए। निर्गुण और सगुण ये दो परंपराएं सामने आई, दो मार्ग समक्ष आए भक्तों और भक्तों के समक्ष, निर्गुण और एक सगुण। तो निर्गुण पंथ में, निर्गुण में निर्गुण के दो भाग जो ईश्वर को निराकार मानते हैं, तो निर्गुण के दो भाग में एक कोई ज्ञानाश्रय शाखा, ज्ञानाश्रय इसमें ज्ञान को प्रमुखता प्रदान की गई, और दूसरी है प्रेमाश्रय शाखा जिसमें प्रेम को प्रधानता दी गई। तो कबीर दास ने ज्ञान की प्रधानता, उनको इसलिए ज्ञानाश्रय शाखा का मुख्य कवि माना जाता है। उनके पूरे साहित्य में आप पढ़िए तो ज्ञान ज्ञान की बात होती है। औपनिषदिक दर्शन का, औपनिषदिक दर्शन के अगर दर्शन करना है तो आप कबीर साहब का जो है साहित्य, उनके साहित्य का अध्ययन करके, और जहाँ प्रेम की बात आती है तो वहाँ मलिक मोहम्मद जायसी जो प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो सूफी कवि, उसमें इस्लाम का प्रभाव है, सूफी मत का एक सूफी कवि है वो मलिक मोहम्मद जायसी। तो उन्होंने प्रेम को प्रधानता दी है, उन्होंने जो अपना जो पद्मावत लिखा है उसमें उन्होंने तन चितौर, तन को चितौर माना, इस प्रकार से उन्होंने एक उपक्रम बना है, और उसमें पद्मावती जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, और रतन सिंह जो है राजा उसके प्रेम में जो पागल होता है उसको प्राप्त करता है, तो वो उसको आत्मा माना, आत्मा को राजा माना और पद्मावती को उन्होंने परमात्मा माना, इस प्रकार से उन्होंने प्रभु को परमात्मा माना पत्नी के रूप में और पति के रूप में आत्मा हुई। इसलिए तन चित्र मन राजा की ना, इसी प्रकार से उन्होंने एक आदर्श रखा, एक प्रेमी पति का आदर्श रखा, एक प्रेमी का आदर्श रखा। इस प्रकार के कथाएं प्रसिद्ध हैं प्रेम की, अरबी कथाएं। लेकिन कबीरदास ने उन्होंने भारत की नारी का आदर्श लिया। भारत की नारी का आदर्श बहुत महान है, अतुलनीय है। उन्होंने भारत की पतिव्रता पत्नी का लिया आदर्श, और वो कहते हैं कि हरी मोर पी मैं राम की बहुरिया, जो राम हैं मेरे प्रियतम है और मैं राम की बहुरिया हूँ, उनकी वधू। तो उन्होंने जो जो रूपक लिया है, जो जो लक्ष्य जो लिया है, उन्होंने स्वरूप लिया है आत्मा का स्वरूप, उन्होंने रखा है कि पत्नी का स्वरूप, पति को उन्होंने परमात्मा माना, और इस प्रकार से उनके साहित्य में आपको मिलेगा इस भावना का
भावना की अभिव्यक्ति मिलेगी आपको। लाड़ी देखकर मैं गई, मैं ही वो गई लाड़, लाड़ी देखकर मैं गई, तित देखो तित लाड़, लाली सॉरी माफ कीजिए, लाली मेरे लाल की, तित देखो तित लाड़, लाड़ी देखकर मैं गई, मैं वो गई लाड़। ये वेदांत का जो सिद्धांत है उन्होंने सामने लाया कि मेरे परमात्मा जो मेरा जो प्रिय है वो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, जिधर देखती हूँ उधर वही जिद्दे खोते लाल सर्वत्र वो एक सही दिखाई पड़ता है। और मैं जब उनके दर्शन करने गई, देखने गई, तो मैं भी उनमें मान जो गई लय हो गई, लय हो गई लाल। ये आत्मा परमात्मा का मुक्ति का वर्णन उन्होंने दिया है, कैसे आत्मा परमात्मा में लय होकर परमात्मा ही बन जाती है, जैसे कि सिंधु में सरिता मिलकर सिंधु बन जाती है, सागर बन जाती है। दूसरा उदाहरण वो देते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर और भीतर बाहर पानी, फूटह कुंभ जल जलई समान, ये तत्काहत गयानी। वो कहते हैं कि जल में कुंभ, पानी में घड़ा पड़ा हुआ है, तो घड़ा पानी में है और घड़े के अंदर भी पानी है, तो घड़ा जो है पानी को पानी से अलग कर रहा है, तो ये शरीर जो है इसमें भी परमात्मा है और बाहर भी परमात्मा है, लेकिन शरीर जो है शरीर रूपी घड़ा आत्मा को परमात्मा से पृथक कर रहा है। तो फूटा कुंभ जल जलई समान, जब ये घटा ये घड़ा फूट जाता है तो अंदर का पानी जो है वो बाहर के पानी में समा जाता है। ऐसे ही आत्मा जब इस देह से विलग होती है तो परमात्मा में लीन होता है। बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति उनकी है, यद्यपि कहते हैं लोग उन्होंने कभी मसीह का आगत छुआ नहीं, कर्म गई नहीं हाथ, लेकिन वो तो धर्मजात ज्ञानी थे, पिछले जन्मों का अनुसार था और अवतारी पुरुष थे, तो उनके साहित्य में ज्ञान की प्रेम भी है, लेकिन ज्ञान की ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए उन्हें ज्ञानाश्री सागर का प्रमुख कवि माना जाता है। तो उन्होंने एक आदर्श नारी का एक उन्होंने ये आदर्श प्रस्तुत किया, पतिव्रता नारी। कहते हैं एक जगह कहते हैं पतिव्रता नांगी रहे तो वही पुरुष की लाय, कहते हैं पतिव्रता स्त्री को क्या चिंता है, अगर वो नंगी रहती है तो पुरुष को ला जाना चाहिए, पति को आना चाहिए लाज। इस प्रकार से अगर मनुष्य दुखी है, एक भक्त दुखी है, तो भगवान का काम है वो उसको सुविधाएं प्रदान करें। तो बड़ी सुंदर सुंदर अभिव्यक्तियां उनकी साथियों में है, उनके पदों में शब्दों में आए, बहुत ही बहुत अच्छी लगती है, मैंने बहुत अध्ययन किया उनका, एक एक दोहे में बड़ा बड़ा, जो उन्होंने जैसे बिहारी के दोहों को कहा जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ रविदास के गोहे जो दोहे हैं जो साखियाँ, एक एक साखी में बहुत ज्ञान है। फिर आए तुलसीदास जी, आए तुलसीदास जी ने देखा उस समय, समय की परिस्थितियों को देखा, उस समय देश को एक लोकनायक की आवश्यकता थी, लोकनायक की आवश्यकता थी, क्योंकि इस समय भारत में मुगल शासन था,
तीन इलाही का चक्रवात भी चल रहा था और सारी जनता एक भ्रमित थी, एक प्रकार से भ्रमित थी। तो उन्होंने प्रभु की प्रेरणा से एक ऐसे लोकनायक की प्रतिष्ठा की जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, जिसके हाथ में धनुष और बाण था। जनता जब त्राही त्राही दुखी थी, त्राही त्राही कर रही थी। आजकल भी अगर आप देखिए, जब कोई कार्यक्रम होता है, हम पुलिस को बुलाते हैं कि वो आके हमारी रक्षा करें, तो अगर पुलिस का कांस्टेबल है, सिपाही है, वो सिर्फ एक डंडा लेके आ जाता है, तो उस पर इतना अधिक जनता जो है वो इतनी अधिक आश्वस्त नहीं होती है। किंतु वही व्यक्ति जब राइफल लेके आता है हाथ में, तो जनता आश्वस्त हो जाती है, अधिक आश्वस्त हो जाती है। इसी प्रकार से उन्होंने एक ऐसे लोकनायक की आवश्यकता थी उस समय, तो ऐसे लोकनायक को प्रश्न जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भी था, उन्होंने श्री राम की राम का स्वरूप प्रस्तुत किया और उन्होंने सारी विचारधाराओं को का एक समन्वित रूप था अपने साहित्य में प्रस्तुत किया। अब इसमें एक बात आती है, तो ज्ञानश्री शाखा और प्रभाश्री शाखा, ज्ञानश्री शाखा में था भक्त पत्नी के स्वरूप में है और पति के स्वरूप परमात्मा है। तो एक नारी तो आदर्श को भली प्रकार से मान सकते हैं, क्योंकि पुरुष का स्वभाव कुछ अलग होता है। पुरुष अपने को नारी समझे बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है कोई पुरुष अपने को नारी कह के कोई वंदना करे प्रभु की। और मैंने देखे कुछ ऐसे साधु भी, मुझे याद है कुछ ऐसे साधु देखे मुझे स्मरण है कि वो अपने धोती बांधते थे स्त्रियों की तरह से, कहते मैं तो अपने भगवान की बस भक्त नहीं हूँ, पुरुष हो के भी हूँ, इस तरह की बात करते थे वो। मैंने बचपन में देखा था हमें भारत में, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता था ये पुरुष नारी का रूप धारण करके अच्छा महात्मा क्षमा कीजिए। तो एक समस्या पैदा होती है एक पुरुष के लिए परमात्मा की भक्ति करे एक स्त्री के रूप में, पत्नी के रूप में, एक स्वाभाविक कठिनाई है। कोई आप लोगों कोई उसे परिवार नहीं है, कोई यहाँ पर यह कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कठिन है। इसी प्रकार से पत्नी को परमात्मा माने और पति स्वयं को आत्मा माने, तो पत्नी तो नारियों के लिए एक कठिन काम है अपने को पुरुष समझे। नारियों के लिए कठिन है अपने को पुरुष समझ के और परमात्मा की प्रार्थना करें। यदि कोई नारी ऐसा करती है तो उसे समाज में कोई विशेष आदर की दृष्टि नहीं देखा जाता। तो ये समस्या थी उस समय की, इसको कैसे किया जाए। ना तो स्त्री ग्रुप में आप कर सकते हैं, पुरुष अपने को स्त्री नहीं समझता, स्त्री अपने को पुरुष नहीं समझ सकती। तो सूरदास ने एक नया पंथ दिया। सूरदास ने एक बाल कृष्ण का चित्रित किया। बच्चा एक ऐसा है जिसे स्त्री भी
सामान्य रूप से प्यार करती है और पुरुष भी सामान्य रूप से प्यार करता है। उन्होंने बाल कृष्ण का स्वरूप चित्रित किया और मेरे प्रिय विद्यार्थियों स्मरण हो स्मरण रहे कि जो पूजा की जाती है हिंदू में वो बालकृष्ण की पूजा की जाती है। जो योगीराज कृष्ण है, जो भागवत के कृष्ण है, जो ओ, 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 जो कहना चाहिए जो द्वारकाधीश जो जो कृष्ण है, तो भागवत के केवल बाल स्वरूप में वो कृष्ण है, उसकी उनकी पूजा की जाती है। क्योंकि बच्चा जो है, एक बालक जो है, वो पुरुष को भी उतना प्यारा हो सकता है तो अब नारी को उतना प्यारा हो सकता है, इसलिए इन्होंने बाल कृष्ण का स्वरूप सामने रखा और इस प्रकार से उन्होंने अपने साहित्य का सृजन किया। उन्होंने कहीं भी कृष्ण का ऐसा चित्रण नहीं किया है जहां पर उनकी वयस्कता दिखाई गई हो अधिक। तो मैं कहना चाहता हूं उस समय की प्रवृत्तियों को देखते हुए सूरदास का के साहित्य का बड़ा प्रचलन रहा, क्योंकि बाल कृष्ण की बात थी। तो श्री राम तुलसीदास जी ने भी इस प्रवृत्ति को अपनाया, लेकिन बाल कृष्ण से काम नहीं बना, बालक राम से काम नहीं बना। कृष्ण तो बांसुरी लेके रिझाते थे, अहिंसा का पार का पथ था, पूर्ण रूप से अहिंसा का पथ। लेकिन शठ के साथ सर्वत्र अहिंसा नहीं चलती, दुष्ट को डंडा दिखाना पड़ता है। एक बार नेहरू जी ने पूछा गांधी जी से कि ये आप लाठी क्यों रखते हैं, आप तो अहिंसक हैं। बोले आप जैसे शरारतियों के लिए। तो हाथ में बांसुरी बंशी लेके चल जाए, ये बहुत अच्छा है, बंशी से सब सब रीछ सकते हैं, बदल सकती है प्रवृत्तियों को। किंतु जैसा कि उपचार में औषधियाँ होती हैं और एक सर्जरी शल्य क्रिया भी होती है, तो समय परिस्थितियों को देख के एक ऐसे नायक की आवश्यकता थी जो कि जिसे सब लोग अपना आदर्श मान सकें। कबीर ने भी राम को आदर्श माना, लेकिन उनके राम दशरथ के राम नहीं है, लेकिन राम कुमार। तुलसीदास जी ने एक ऐसे समन्वयवादी दर्शन को हमारे सामने प्रस्तुत किया तो सबको मान्य हो गया। उन्होंने संत मत जो कबीर दास का है उसको पूरी तरह से अपनाया, उसमें जो काकभूषण जी हैं वो संत परंपरा की बात करते हैं, उस समय की जो संत परंपरा थी उसको स्थान दिया उन्होंने। और पूरी तरह से काकभूषण जी और गरुड़ जी की कथा है, जो वैदिक विचारधारा थी, जो ज्ञानवादी विचारधारा थी, वैदिक विचारधारा को उन्होंने स्थान दिया याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज की कथा। उन्होंने इतिहास दिया जो आवश्यक था, इतिहास दिया उन्होंने शिव जी और पार्वती के संवाद में। तो एक ऐसा उन्होंने अद्भुत रंगमंच मचा
निर्मित किया भारतीय दर्शन का, जिसमें शैव और वैष्णव भी एक हुए। शैव और वैष्णव की जो परंपरा थी, पारस्परिक विद्वेषता, पारस्परिक शत्रुता थी, वो सब उसको मिटाने के लिए, दूर करने के लिए उनका रामचरितमानस एक सेतु बन गया। तो वो रामेश्वर का सेतु है, वो यही रामायण स्वयं एक सेतु है। समस्त दार्शनिक विचारधाराओं को समर्पित रूप में सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने में जो कार्य तुलसीदास जी ने किया, बहुत सराहनीय है। उन्होंने सारी विचारधाराओं को, निर्गुण की भी, सगुण विचारधारा, दोनों विचारधाराओं को नुकसान रखा, निर्गुण धारा विचारधारा, सगुण विचारधारा। इसलिए रामचरितमानस तुलसीदास जी का काम बहुत प्रचलित हुआ और आज भी प्रचलित है संसार के हर कोने। तो मेरा मत यह है, समय आपसे यही कहना है कि उस समय जो मूल प्रवृत्ति थी वो ज्ञान और प्रेम थी, निर्गुण भक्ति थी, सगुण भक्ति थी। तो निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति कबीरदास मलिक मोहम्मद जायसी अपना सूरदास अपना तुलसीदास, ये उस युग के जो थे जो प्रतिष्ठित स्तंभ उनके साहित्य में देखी जा सकती है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। उस युग का जो लड़चा हुआ साहित्य है उसने जो जन समुदाय को भारत और बाहर से बाहर जो प्रकाश प्रदान किया है, जो प्रेरणा प्रदान की है, जो पंथ प्रदर्शित किया है, वो अकथनीय है। उसका मूल्यांकन करना कठिन है। आज भी भक्ति काल की विचारधारा साहित्य में जो उगी थी वहाँ सारे संसार को प्रेरणा दे रही है, उनका पंथ प्रकाशित कर रही है। उसको भली प्रकार पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, यही मेरी आपसे निवेदन है। और आपको धन्यवाद है, आपने इतनी देर तक मेरे इस व्याख्यान को सुना। आशा है आपको रुचिकर लगा होगा। नमस्ते, फिर मिलेंगे।